हेलो एवरीवन, वेलकम टू डाइटिशियन मनीषाज न्यूट्रीफिट यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कॉमन डाइटिंग मिस्टेक्स के बारे में। आज हर किसी को लगता है कि वो सेलिब्रिटी की तरह फिट रहे और सुंदर दिखे, और ये कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर हम ठान लें तो सब कर दिखा सकते हैं। डाइटिंग इज द ओनली गेम, व्हेन यू लूज यू विन। ऐसा एक ही खेल है जहाँ पे हम हारने के बाद जीत जाते हैं। वजन कम करना एक बहुत बड़ी जर्नी है। इसमें अगर हम प्रॉपर डाइट नहीं लेते हैं तो जर्नी टाइम बढ़ जाता है। इसलिए जो कॉमन मिस्टेक सभी करते हैं वो ना करें। अब मैं आपको जो बताने वाली हूँ उससे आपको आपके वेट लॉस प्रोग्राम में निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। फर्स्ट थिंग इज ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट इज द की फॉर योर वेट लॉस प्रोग्राम। ब्रेकफास्ट को कभी मिस ना करें और हेल्दी ब्रेकफास्ट लें, जिससे आपका पेट भरा हुआ रहेगा और आपको इन बिटवीन मील्स खाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। इसलिए हेल्दी ब्रेकफास्ट लेना बहुत ज़रूरी है। सेकंड थिंग इज़ अवॉइड कैफीन। हमारे इंडियन कल्चर में चाय और कॉफ़ी एक महत्वपूर्ण पेय है, और मेहमानों का स्वागत भी हम चाय देकर करते हैं। चाय लेने से हमारा मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, लेकिन फिर भी चाय या कॉफ़ी की मात्रा हमेशा कम रखें। ज़्यादा टाइम चाय या कॉफ़ी ना लें, और इसके साथ ही शक्कर की मात्रा भी कम रखें। ऐसा करने से हमको वेट लॉस में हेल्प मिलेगी। थर्ड थिंग इज़ क्रैश डाइटिंग। क्रैश डाइट से जल्दी रिजल्ट मिलेगा, लेकिन इससे शरीर का ज़्यादा नुकसान होगा। अगर हम कोई भी क्रैश डाइट या लेस कैलोरी डाइट करते हैं तो उससे फैट लॉस होगा, लीन मसल मास और टिश्यू लॉस होगा। उसके साथ ही आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा। जब आप क्रैश डाइट करते हैं तब आपका शरीर कैलोरी सेविंग मोड में जाता है और कैलोरीज फैट के फॉर्म में स्टोर हो जाती है। इसलिए एक प्रॉपर डाइट प्लान फॉलो करें और क्रैश डाइट को भूल जाए। फोर्थ थिंग इज लूजिंग ट्रैक व्हाट यू ईट। खान पान पर नियंत्रण रखें। जैसे आप कभी किसी पार्टी या शादी में जाते हैं तो वहाँ पर अगर आपने कोई केक का टुकड़ा खा लिया या स्वीट का टुकड़ा खा लिया तो बस करें, उससे ज़्यादा ना खाएं। जंक फूड फास्ट फूड खाने से वज़न कम करने में मुश्किल आ सकती है। फिफ्थ थिंग इज अवॉइडिंग स्नैक्स। इन बिटवीन मील्स हमें जो खट्टे मीठे और नमकीन पदार्थ लेने की आदत है उसकी जगह हेल्दी स्नैक्स लें। हेल्दी स्नैक्स लेने से भूख कम लगेगी। इसके साथ ही आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होगा और शुगर लेवल भी कंट्रोल होगी, और आपका वजन कम करने में भी मदद मिलेगी। सिक्स थिंग इज निगलेक्टिंग एक्सरसाइज। सिर्फ एक्सरसाइज करने से आपका वजन कम नहीं होगा। जल्द वजन कम करना है तो एक्सरसाइज का एक डेली रूटीन होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हर रोज एक्सरसाइज करें, जिससे आपकी स्टोर्ड कैलोरीज यूज हो और आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट हो। और एक्सरसाइज में वॉकिंग, जॉगिंग, स्विमिंग, डांसिंग, एरोबिक्स, आपको इनमें से जो भी एक्सरसाइज पसंद है वो एक्सरसाइज डेली ज़रूर करें। सेवन थिंग इज लैकिंग इनफ स्लीप। अगर आपको 6 से 8 घंटे की अच्छी सी शांत नींद आती है तो आपको वजन कम करने में मदद मिलेगी। अगर आपको वजन कम करना है तो अच्छी शांत नींद लेना बहुत ज़रूरी है, जो आपको फैट बर्न करने में मदद करेगा। इसके साथ ही कोई टेंशन या स्ट्रेस ना ले। एट थिंग इज चीट मील डे। जैसे कि आपको कोई पदार्थ बहुत ज़्यादा पसंद है और उसको खाने की इच्छा है तो उसको सवेरे के टाइम में खाएं और पोर्शन साइज पर ज़रूर ध्यान दें। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो ज़्यादा कैलोरी स्टोर हो सकती है, जिससे आपकी डाइटिंग पर पानी फिर सकता है। नाइन्थ थिंग इज़ ईटिंग एट लेट आवर्स। जब आपको वज़न कम करना है तब शाम का खाना 7 बजे से पहले खा लें। अगर लेट नाइट में खाते हैं तो ऐसा करने से एसिडिटी या ब्लोटिंग हो सकती है। इसके साथ ही आप कोई भी डाइट प्लान फॉलो नहीं कर रहे हैं तब भी रात का खाना जल्दी खाएं और जल्दी सो जाएं। ये तो एक जनरल डिस्कशन है। अगर आपको डाइट करना है तो अपने डाइटिशियन से सलाह लें, उनसे डाइट प्लान बनवा लें और उसको फॉलो करें,
अगर ऐसा करते हैं तो जीरो फिगर या वेल बिल्ड अप बॉडी दूर नहीं है। इसके साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं, जिससे आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू ऑल।